देहरादून आए हैं और कतलाम में नहीं खाए, मामा जी के कतलाम में नहीं खाए, कुछ नहीं खाया। तो दोस्तों फाइनली कतलाम में हमारे हो गए रेडी और बहुत देर हमने ये छोले हमारे चने। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है? तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज जायका तलाश करते करते मैं पहुंच गया हूं देहरादून और देहरादून में मैं दिखाने वाला हूं एक बहुत ही अनोखी और एक बहुत ही स्पेशल डिश। और ये डिश लगभग 45 ईयर्स से ये लगाते आ रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ तुम्हें मामा जी के कतलामे। और कतलामे की बात करें तो मामा जी का सबसे ऊपर नाम आता है और लगभग 45 साल से एक ही ठिया पे लगा रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगा, इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। देहरादून आए हैं और कतलाम में नहीं खाए, मामा जी के कतलाम में नहीं खाए, कुछ नहीं खाया। तो देखते हैं, चलते हैं। ये और जानते हैं इसके इतिहास के बारे में कैसे कैसे। नमस्ते भैया, कैसे हो? तो भैया आपका जो मामा जी के कतलाम में है वो काफ़ी मशहूर है, दूर दूर तक मशहूर है और दिल्ली से मैं स्पेशली ये कतलाम में खाने के लिए आया हूँ। तो आप थोड़ा इनके बारे में बताइए, कब से आप लगा रहे हैं? 45 साल। ये मतलब यहाँ की डिश है, कहाँ की ट्रेडिशनल? पंजाब। अच्छा, बनवाल पटारी सिंधी, ये कमेटी पंजाबी कमेटी से बिलोंग करता हूँ, ये इनका स्पेशल डिश। तो सबसे पहले जो आप ही ने लगाए थे, आपसे पहले जो जी के उस्ताद जी थे, राम लुवाई जी वो विभाजन के समय आए, उनका ये सबसे फर्स्ट टाइम उन्होंने देहरादून में कतलाम बेचा और यहीं पर लगाया था फर्स्ट टाइम, हमारे उस्ताद जी। उस्ताद जी तो आप उनके पास में काम करते थे, तो उनसे ही सारी डिश सीखी हुई है। तो ये जो मैदा है इसमें मतलब ये प्योर है, आपका कहना है प्योर है, ये कैसे मतलब तैयार की जाती है? सर इसमें जैसे हो गया बटर का मैदा फॉर्मेट करने के लिए, हमने बेकिंग पाउडर ईस्ट पैदा करने के लिए या फिर ईस्ट डाल देते हैं जो केमिकल वगैरह डालते हैं, इस तरह का कोई भी प्रोसीजर नहीं। ये हाथ से इसके लिए हाथ से बनाया थी और सिंचाई के बाद एकदम खराब नहीं। जो आपकी जो छोले का मैकिंग है, जो छोले का उसका थोड़ा बताइए उसके बारे में कैसा है? सर आपने चना हमारा बनता है उसको उबाल करके उसका पानी निकाल देते हैं जिससे उसका यूरिक एसिड भी निकल जाता है। मेरे को जितने प्रकार की दालें ना सबका उबालने से पहले पानी ऊपर का डाल के पानी निकाल देना चाहिए। जो आपके मसाले वगैरह होते हैं, जो मसाले वगैरह होते हैं आपने घर पे ही तैयार करते हैं, जो बाजार से सूखे ला के आप तैयार करते हैं? और आप देख सकते हो दोस्तों ये हमारे कतलाम में तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल देखने में आपको भटूरे जैसे लगेंगे लेकिन भटूरे जो है वो मोटे हो जाते हैं, फूटे हो जाते हैं, ये फूटते नहीं हैं। और इनका कहने का ऐसा है कि ये 10 दिन तक भी ख़राब नहीं होते हैं। अच्छा, ये रिफाइंड में बनाते हैं कैसे बनाते हैं? रिफाइंड तो यूज़ नहीं करते, आज तक 50 सालों में। अच्छा, रिफाइंड तो आपको सर्च मारोगे तो फुल बॉडी लॉस कर गया 30 साल के अंदर आप सब किलो। तो ये डालडा घी में बनाते हैं? जी जी। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो इसका रेट कितना था पहले, कितने से स्टार्ट किया था? अगर हमारे जीजा जी ने जब स्टार्ट किया था तब उनके उस्ताद जी थे, जब स्टार्ट करा गए थे तो उसमें 50 पैसे और 1 रुपये थे। 50 पैसे और 1 रुपये का तो बहुत डिफरेंट हुआ 45 साल में। आज रेट देख सकते हो दोस्तों, हाफ प्लेट का है 40 रुपीज़ और फुल प्लेट का है 70 रुपीज़, ये देख सकते हो। और टेस्ट वही है, 45 साल पुराना जो टेस्ट था वही आज के समय में ये सर्व कर रहे हैं। देहरादून में अगर कोई बाकी दिल्ली NCR में ऐसी कोई डिश नहीं है, मैंने कभी ट्राई भी नहीं की, आज पहली बार मैं ट्राई करने वाला हूँ। और दोस्तों मैं ट्राई करने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ आपको टेस्ट कैसा होने वाला है। जो भी ये यूट्यूबर है और अपना रिव्यू राइट दे जैसा लगा, मैं आपको प्लीज़ आपको ये आग्रह करता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आप कमेंट करके बताना और यहाँ पे जरूर आना, एक बार ट्राई करना, जरूर आए पे विजिट करना। अभी इनसे एड्रेस पूछ लेते हैं और टाइमिंग पूछ लेते हैं। तो भैया थोड़ा एड्रेस बता दीजिए, यहाँ पर कैसे पहुँचना है? सर अगर बाहर से फेमस है गुलाब टावर, आप फल्टर में एंट्री कीजिए, उसके बाद फल्टर में आगे अंदर मार्केट में आप टहलेंगे तो किसी से पता करना है मामा जी कतलाम वाले की टाइमिंग क्या होगी? सुबह 7:30 से 4:30, 7:30 से 4:30 और कहा जाता है, मैं तो थोड़ा लेट आया हूँ, कहा जाता है 7:30 बजे इतनी भीड़ होती है यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं होती, तो काफ़ी लोग यहाँ पे अभी भी खड़े हुए हैं और वेट कर रहे हैं। और अभी मैं अपने लिए प्लेट लगवा रहा हूँ और देखूँगा इसका जायका कैसा होने वाला है। ठीक है, हमारे लिए भी लगा दीजिए एक प्लेट। मतलब
तो दोस्तों फाइनली कतलाम्बे हमारे हो गए रेडी और बहुत देर हमने वेट किया इसके लिए। और यहाँ पे दूर दूर से लोग खाने आते हैं, टेस्ट करने आते हैं और मैं आज दिखाने वाला हूँ आपको और जेन्युइन रिव्यू देने वाला हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं कतलाम्बे, ये काफ़ी क्रंची है और काफ़ी सॉफ्ट भी है लग रहा है, लेकिन ऑयली है, लेकिन है नहीं इसके अंदर कोई भी इतना ऑयल नहीं है। ये देख, ये है छोले हमारे चने, भाई टेस्ट की बात करूँ नेक्स्ट लेवल है। और दिल्ली एनसीआर में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती और स्पेशली हम देहरादून आए हैं कतलाम्बे खाने के लिए और आप भी जरूर आना, वर्थ इट है। और मैं रेटिंग की बात करूँ तो 10 में से 9.5 रेटिंग मिलेगी क्योंकि। तो दोस्तों कतलाम्बे हमारे हो गए हैं फिनिश और उन्हें खा के काफ़ी मज़ा आया, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।